अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद सौरभ। आज मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ा स्लाइस। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसके लिए मैंने 1.5 कप बेसन का लिया है। बेसन को मैंने छान लिया है। इस तरीके से बेसन को छान के हमने इसके अंदर डाल लिया है। अब मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी। मसालों में मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है, 1 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर। ये दोनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकती हैं। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर जीरा पाउडर भून कर कुटा हुआ, ये पाउडर नहीं है, ये भून कर कुटा हुआ मोटा मोटा सा, 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सूखा धनिया डाला है भून कर कुटा हुआ मोटा सा, मोटा मोटा कुटा हुआ। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी हल्दी पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल दी है इसके अंदर। आलू है मेरे पास 4 अदद, मैंने आलू लिए हैं। इसको मैंने इस तरीके से छोटा छोटा सा काट लिया है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। छोटा सा मैंने 1 अदद प्याज लिया है, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसके अलावा अगर आप धनिया हरी मिर्ची डालना चाहती हैं तो डाल सकती हैं। अब इसको हम पानी डालकर इसको अच्छी तरह से इसकी पेस्ट बना देंगे। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है ताकि ये मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब इसके अंदर पानी और डलेगा, मैंने 1/2 ग्लास लिया था और तकरीबन इसके अंदर सारा ग्लास ही पानी का डल गया, 1/2 ग्लास जो सारा इसके अंदर डल गया पानी का। इस तरीके से हमने पेस्ट बना लेनी है, इस तरीके से बस इतना गाढ़ा हमने रखना है। अब मैं स्लाइस लूँगी, स्लाइस को हमने डीप करना है इसके अंदर इस तरीके से। ऐसे, और इसको दूसरे साइड पे ऐसे इसके लगा देंगे। इसको उठाएंगे इस तरीके से आराम से। कढ़ाई में मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया है। आराम से इसको उठा के इसको कढ़ाई में डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इस तरीके से हमने फ्लेम को मीडियम रखना है। इस तरीके से दूसरा स्लाइस भी जितने इसके अंदर आसानी से आ सकते हैं उतने हम इसके अंदर स्लाइस डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। साइड से हो जाए तो इसकी साइड को पलट देंगे। ये देखें ये कितना अच्छा इसमें कलर आ रहा है। जब ये तैयार होते जाएं तो हम इसको निकाल लेंगे। जोन जोन सा पीस तैयार होता जा रहा है मैं उसको निकालती जाऊंगी। पहले वाले मैंने निकाल लिए हैं और ये मैंने अभी इसके अंदर और डाले हैं। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके हम सारे तैयार कर लेंगे पकौड़ा स्लाइस। बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत आसान रेसिपी है। व्यूअर्स, आप मेरी वीडियो को देखा करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। जी व्यूअर्स, इस तरीके से पकौड़ा स्लाइस तैयार जब हो जाएंगे तो सारे मैं इस तरीके से डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए ये बहुत अच्छे बने हैं, बहुत क्रिस्पी बने हैं और बहुत मज़े के बने हैं। ये देखिए आप भी इस तरीके से गर्मा गर्म पकौड़ा स्लाइस बनाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। मेरी वीडियो को देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन का बटन दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखा करें। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।